गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 के अंदर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने खत्म किया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दी हुई है और उसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको ये सारी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं उसका शॉर्टकट आपको एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। अब यहाँ पे सीधी काउंटिंग करेंगे क्योंकि उसकी थियरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो फर्स्ट वाला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होती है और उसको फैक्टराइज करना है। तो कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव है तो आपको एडिशन करना है दो फैक्टर का, ऐसा याद रखना है। तो 16 के ऐसे पार्ट बनाइए, मल्टीप्लीकेशन 16 हो जाए और एडिशन वर्ड कौन सा यूज करना है, एडिशन हो जाए 10। तो 16 के ऐसे पार्ट कौन से होंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन 16 हो जाए और एडिशन 10, तो इसके लिए आप 8 टू जाए यूज कर सकते हैं। यहाँ प्लस की साइन है इसीलिए हमें यहाँ एक जैसी साइन रखनी है, एक जैसी प्लस प्लस भी होती है, एक जैसी माइनस माइनस भी होती है। तो डिसाइड कैसे करने का, बीच में से, बीच में प्लस है तो ये दोनों के आगे आएगा प्लस, यहाँ जो नंबर मिडिल टर्म का दिख रहा है वो यहाँ आगे लिख देना है। तो ये फैक्टराइज हो गया। यहाँ पे क्या है, सीधा ये जो मिडिल टर्म था उसको स्प्लिट भी हो गया और एक स्टेप कट हो गया हमें। वैसे हमें स्प्लिट करके करना है तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, इसमें एक या दो स्टेप कट हो जाते हैं, सीधा फैक्टराइज आप कर सकते हैं। सेकंड वाला चलो, सेकंड वाले के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20। 20 के ऐसे पार्ट बनाइए जिसका प्रोडक्ट 20 हो जाए और एडिशन वर्ड यूज करना है, यहाँ प्लस है ना तो एडिशन, एडिशन 12 हो जाए। तो इसके लिए 10 टू जा 20 होते हैं, दोनों का एडिशन कितना होता है 12। दोनों की हमने साइन कौन सी रखनी है, एक जैसी माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो यहाँ देखना है या माइनस है तो दोनों के आगे माइनस, फिर आगे एक्स लिख देना है, हो गया फैक्टराइज। चलो थर्ड वाला, थर्ड के अंदर लिखा है 6x² प्लस 19x प्लस 10। तो 16 यहां पे देखिए नंबर, यहां आगे नंबर दिख रहा है, 6 × 10 कितना हो गया 16। 16 के ऐसे पार्ट बनाइए जिससे प्रोडक्ट 16 हो जाए और एडिशन हो जाए 19। तो इसके लिए आप कौन से पार्ट यूज करेंगे, 15 फोर जा यूज करोगे, 15 प्लस 4 कितना हो गया 19 और 15 फोर जा हो गया 16। साइन यहाँ रखेंगे प्लस और प्लस की, यहाँ सीधे हम आगे एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि आगे नंबर है, वहां पे आगे कोई नंबर नहीं था, कोएफिशिएंट 1 था, इसीलिए यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 को छोड़ के दूसरा कोई होता है तो फिर हमें उसको डिवाइड करना पड़ रहा है। 6 यहाँ पर ये डिवाइड कर दिया। वैसे इसके लिए दूसरी मेथड भी है काउंटिंग करके, लेकिन ये शॉर्टकट से ही आपको काउंट कर लेने का। चलो यहाँ पर ये दोनों 3-3 से कट हो गए, ये दोनों 3-3 से कट हो गए, ये 3 से कट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 5 रहेगा और यहाँ रहेगा कितना, 2 रहेगा। तो 2x प्लस 5 इन दोनों को हम कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा 3 से, तो यहाँ 5 बचेगा, ये कट हो जाएगा 3 से तो 2x प्लस 5, तो इसका सीधा आंसर हो गया 2x प्लस 5। ये 2 2 से कट होगा तो यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा तो 3x प्लस 2 इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। इसके लिए बड़ी मेथड भी है जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का होता है, फिर इसमें दो स्टेप ज्यादा होंगे और यहाँ पे ये आप रफ में भी कर सकते हैं, इसको यहाँ कंपलसरी नहीं कि उसके अंदर ही आपको ये वर्क करना। चलो ये लिख दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला काउंट कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते। चलो फोर्थ वाला यहाँ आ जाएगा, फोर्थ वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33। 33 के ऐसे पार्ट बनाइए, प्रोडक्ट 33 हो जाए और एडिशन 14 हो जाए। तो इसके लिए 11 3 जा, आगे कोई नंबर नहीं है, यहाँ आएगा प्लस प्लस और सीधा लिख देने का हमें एक्स, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर हो गया फैक्टराइज। फिफ्थ वाला देखिए, अब फिफ्थ वाले के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 14। 40 के ऐसे पार्ट बनाइए जिससे प्रोडक्ट हो जाए 40 और सब्ट्रैक्शन हो जाए 3, यहाँ पे माइनस है इसीलिए सब्ट्रैक्शन वर्ड यूज करना है। तो 8 5 जा 40 भी होते हैं, 8 के अंदर से 5 जाएगा तो 3। अब साइन कौन सी रखेंगे, ऑपोजिट, यहाँ पे नेगेटिव होता है कॉन्स्टेंट टर्म, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव होता है तो ऑपोजिट साइन रखने की, ऑपोजिट माइनस प्लस भी होती है, प्लस माइनस भी होती है, कौन सी रखनी, तो मिडिल टर्म देखने का, मिडिल टर्म के आगे जो साइन है वो लार्जर के आगे जाएगी और
फैक्टर यहाँ पे इसकी ऑपोजिट, एक्स यहाँ पर हो गया फैक्टराइज, लिख दीजिए। फिर 6 से 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 6x² + 7x - 20। यहां पे 20 × 6 कितना होगा? 120। 120 के ऐसे पार्ट बनाइए जिससे प्रोडक्ट 120 हो जाए और सब्ट्रैक्शन है ना वो 7 होनी चाहिए। तो कौन से पार्ट यूज करेंगे? 15 × 8 कितना होगा? 120। 15 के अंदर से 8 चले गए तो कितने रहेंगे? 7। तो ये फैक्टर काम में आएंगे। यहाँ पे आपको दो मेथड एक्सप्लेन करता हूं, ये स्प्लिट करने वाले, मतलब जो बड़ी मेथड है वो भी सीख लो यहाँ पर, और वो शॉर्टकट है वो भी सीख लो। तो 6x² हमने यहाँ पे लिख दिया, 7x के दो पार्ट बनाने हैं। यहाँ देखिए माइनस की साइन है, इसीलिए दो पार्ट के सामने हमें ऑपोजिट साइन रखनी है। ऑपोजिट प्लस माइनस भी होती है और माइनस प्लस भी होती है। तो यहाँ मिडल टर्म की जो साइन है वो लार्जर की कर जाएगी, यहाँ स्मॉलर की कर उसकी ऑपोजिट। तो अब लिख दीजिए यहाँ पर 15x - 8x - 20। ये स्प्लिट हो गए, देखिए ये जो मिडल टर्म था उसको हमने स्प्लिट कर दिया, उसके दो पार्ट हो गए। लेकिन उन दोनों का सिंप्लीफिकेशन कितना होता है? 7x ही होगा। चलो देखिए, अब ऐसे स्प्लिट करके यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? 3x। तो क्या बचेगा उसके अंदर? 2x + 5। यहां से कॉमन क्या निकलेगा? -4। तो 2x + 5, 2x + 5 को भी अब कॉमन निकाल दूं तो कितना रहा? 2x + 5 और बाकी रहा 3x - 4। देखिए यहां पे कितने आ गए? दो टर्म ज्यादा आ गए। अब देखिए उस मेथड में देखिए और करके 15 और 8, यहां प्लस यहां माइनस, इसका शॉर्टकट क्या था? आगे जो नंबर है वो डिवाइड कर दो, 6x, यहाँ पर भी 6x, ये कट हो जाए 3 3 से, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 रहेगा, ये दोनों 2 2 से कट होकर 3 बचेगा, यहाँ पे 4 रहेगा। तो 2x + 5 3x - 4 तो सीधा आ गया 2x + 5, यहाँ पर 3x - 4। तो भी देखिए वही आंसर आ गया। इसीलिए आपको ऑलवेज ये मेथड करने की जरूरत नहीं है। लिख दीजिए, सेवन वाला देखिए, 7 के अंदर लिखा है 15x² + 7x - 2। 15 × 2 हो गया 30। 30 के पार्ट बनाइए जिससे प्रोडक्ट हो जाए 30 और सब्ट्रैक्शन हो जाए 7। तो इसके लिए आप यूज करोगे 10 3 जा। तो यहाँ हमने लिख दिया 10 3 जा। कौन सी साइन रखेंगे? ऑपोजिट। ऑपोजिट में कौन सी? प्लस और माइनस। डिवाइड करना है हमें, आगे जो नंबर है वो 15x और 15x, कट हो जाएगा 5 5 से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पर 2, ये कट हो जाएगा 3 से, तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा। तो कितना हुआ? 3x + 2 देख लीजिए, 3x, ये 3x + 2, और यहाँ क्या बचा? 5x - 1। ये फैक्टराइज हो गया सीधा। चलो उसके बाद 8 वाला, x² - 4x - 77। ये मेथड कब करने की बताए? x² का कोई भी सिन अगर 1 को छोड़ के कोई दूसरा है तब।
देखिए एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो ये मेथड करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा। 77 के पार्ट बनाइए जिसे प्रोडक्ट 77 हो जाए और सब्ट्रैक्शन हो जाए 4, तो 11 7 जा, साइन ऑपोजिट, यहाँ जो साइन है वो बड़े के घर, यहाँ पे स्मॉलर के आगे उसकी ऑपोजिट हो गया वेक्टराइज। 9 वाला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, 143 के पार्ट बनाइए जिससे प्रोडक्ट 143 हो जाए और सब्ट्रैक्शन 2 हो जाए, तो इसीलिए कौन से यूज करेंगे, 13 11 जा होगा, 13 11 जा, 13 के अंदर से 11 जाएगा तो कितना रहेगा 2, तो साइन कौन सी रखेंगे यहाँ पे, प्लस या माइनस, तो x प्लस 13 x माइनस 11, चलो ये भी हो गया फैक्टराइज, उसको यहां काउंट कर देते हैं, 12 फाइव जा कितना होता है 60, 60 के ऐसे पार्ट बनाइए जिससे प्रोडक्ट हो जाए 60 और एडिशन हो जाए कितना 23, तो 23 जा काम में आएगा, 60 होता है और एडिशन होता है 23, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20 और यहाँ पे 3, सब जगह पे प्लस है, दोनों के आगे प्लस लिखेंगे, आगे जो कोएफिशिएंट दिखता है उसको हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो ये दोनों 4 4 से कट हो जाएंगे, तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, ये 3 से कट हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, तो 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, यहाँ पे 4x प्लस 1 हो गया, लिख दीजिए।